हेलो फ्रेंड्स, 10th मई के न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 16 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है, सुप्रीम कोर्ट सेंटेंसेस कर्नन टू 6 months जेल फॉर कंटेम्प्ट। तो जस्टिस सी एस कर्नन, हम इनको डेली ऑलमोस्ट न्यूज में देख रहे थे, तो इनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट किए गए हैं बाय 7 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच। तो अब उन्होंने ऑर्डर दिया है, इनको 6 months इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर हुआ है। तो यहाँ पे सीनियर एडवोकेट ने ये भी सजेस्ट किया कि 1 महीना वेट कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर 1 month जस्टिस सी एस कर्नन रिटायर हो जाएंगे, फिर इनको इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, देर इज नो डिस्टिंक्शन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग हैज नो कलर, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते, कोई प्रिविलेज नहीं है कि आप सिटिंग जज हो या रिटायर्ड जज। तो ये फर्स्ट टाइम होगा कि एक सिटिंग जज के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट किए गए और ये 6 months इम्प्रिजनमेंट दिया गया। इवन मीडिया को कहा गया है कि अब इनकी कोई स्टेटमेंट को रिपोर्ट नहीं करना है। तो हम देख रहे थे काफी सारे ऑर्डर्स ये पास कर रहे थे, वो मीडिया में रिपोर्ट किए जा रहे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जस्टिस सी एस कर्नन अब कोई ऑर्डर सिटिंग ऑर्डर ऑर्डर पे सिटिंग नहीं करेंगे, कोई ऑर्डर नहीं पास करेंगे। फेब 2017 ऑनवर्ड से ही ऑर्डर किया गया था, पर अभी भी वो ऑर्डर्स पास कर रहे थे अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस और सीजेआई। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी इसीलिए इनिशिएट किए गए क्योंकि वो जुडिशियरी को अंडरमाइन कर रहे थे, एंटायर जुडिशियल सिस्टम, वो एलिजेशंस लगा रहे थे अब करप्शन अगेंस्ट द एंटायर जुडिशियरी, मेनी जजेस एज सच टू। तो वो है। फिर अगला न्यूज आइटम है, आईसीजेएस स्टेज सेंटेंस इन जाधव केस। तो ये मिस्टर कुलभूषण जाधव, जो फॉर्मर नेवल ऑफिसर है, जिनको पाकिस्तान जुडिशरी ने इनको डेथ सेंटेंस अवार्ड किया था। तो इंडिया इनसे पाकिस्तान से कॉन्सुलर एक्सेस मांग रही थी कि उनको एक्सेस दिया जाए, उनसे बात करने दी जाए, डिटेल्स दिए जाए उनके, पर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया। 15 बार रिक्वेस्ट की गई पर वो नहीं दिया गया। इवन पाकिस्तान ने फिर सजेस्ट किया था कि आप कुलभूषण जाधव जी के बारे में इन्फॉर्मेशन दो तो हम कॉन्सुलर एक्सेस देंगे। तो ऐसे भी डिमांड्स किए गए। तो इंडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो यूएन जुडिशियल ऑर्गन है, उनको अप्रोच किया, तो उनका अब स्टे ऑर्डर आया है, तो पाकिस्तान ये ऑर्डर को अब इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। तो ये इंडिया के लिए विक्ट्री रही है। हमने इनके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर एलिजेशन लगाए थे कि ये वायलेशन कर रहे जिनीवा कन्वेंशन का, रिलेटेड टू कॉन्सुलर रिलेशन। तो जिनीवा कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन है, ये इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, वो भी हम देख लेंगे। तो ये आईसीजे जुडिशियल ब्रांच ऑफ यूएन, इसका हेडक्वार्टर है इन दी हेग नीदरलैंड में। तो सारे लीगल डिस्प्यूट सेटल करने के लिए यहाँ पे वो एडवाइजरी ओपिनियंस ऑन लीगल क्वेश्चंस भी वो देते हैं। जिनीवा कन्वेंशन जो है, इनके 4 पार्ट्स है। एक है रिगार्डिंग सिक एंड वाउंडेड आर्म फोर्सेज मेंबर्स, शिपव्रेक सेलर्स के लिए कि उनके कंडीशंस इंप्रूव करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए, प्रिजनर ऑफ वॉर्स के ट्रीटमेंट के लिए भी प्रोविजंस है, और इवन फॉर सिविलियंस। तो इन टाइम्स ऑफ वॉर कैसे इन लोगों को प्रोटेक्शन करना चाहिए, उनके प्रोविजंस यहाँ जिनीवा कन्वेंशन में दिया गया। वियना कन्वेंशन जो है, ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे, तो वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस है। तो जब दो कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म भी हो जाते तो भी कॉन्सुलर रिलेशंस कंटिन्यू होते, इट डज नॉट इन्वॉल्व सेवरेंस ऑफ कॉन्सुलर रिलेशंस। तो कॉन्सुलर रिलेशंस थे, इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय म्यूचुअल कंसेंट दोनों कंट्रीज के बीच में। तो यहाँ पे कॉन्सुलर रिलेशंस में भी उनको दूसरी कंट्री के जो नेशनल्स है, उनके कॉर्पोरेट बॉडीज एज सच भी उनको प्रोटेक्ट करना होता है, उनके एडवांसमेंट के लिए स्टेप्स लेना चाहिए, और उनके बारे में जो भी इंक्वायरी वगैरह की जाए उनके रिपोर्ट सारे दूसरी कंट्री को देने चाहिए जिनके वो नेशनल्स है। तो ये वायलेशन हुआ है, क्लियरली कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया गया। फिर अगला न्यूज आइटम है, मालिया गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट से सुप्रीम कोर्ट। तो विजय मालिया, इनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किए गए फॉर विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर, के जो कोर्ट ऑर्डर किया था कि वो अपने पूरे एसेट्स को डिस्क्लोज करे, तो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। एक जो ये डील सामने आई है वो है ब्रिटिश लिकर मेजर डिएगो पीएलसी, इनके साथ जो इनकी डील थी वो इन्होंने जो पैसा मिला था अराउंड 600 करोड़, उन्होंने मेंशन नहीं किया, तो इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनके साथ, इनके अगेंस्ट इनिशिएट किए जा रहे हैं। ही इज इन यूके प्रेजेंटली, तो हम एक्सट्राडिशन के भी एफर्ट्स कर रहे हैं। तो विजय माल्या जी ने ये किंगफिशर एयरलाइन स्टार्ट किया था, ही हैड टेकन अ लोन ऑफ 9,200 करोड़ का उनके ऊपर अभी लायबिलिटी है। तो लोन लिया था जो फॉर किंगफिशर एयरलाइंस, तो कंसोर्टियम ऑफ बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर बैंक से इन्वॉल्व है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द लीड बैंक। तो ये इन्होंने जो लोन लिया था उसको यहाँ पे इवन रीशेड्यूल किया गया 2010 में, इसको मॉडिफिकेशंस किए गए ताकि ये उनको सेकंड चांस दिया जा सके कि वो रीपे कर सके, पर फाइनली ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया इन 2012। इवन किंगफिशर एयरलाइंस के फ्लाइंग लाइसेंस को भी सस्पेंड कर दिया गया
तो यहाँ पे अब वो कंसोर्टियम डिमांड कर रही है कि ये उनको पैसा रिटर्न मिले। उन्होंने जो शेयर्स भी थे, जो भी ब्रिवरीज भी है इनकी, तो उसके शेयर्स को भी उन्होंने बेचा है। इवन किंगफिशर हाउस को ऑक्शन करने का स्टेप्स लिए गए। तो ये सब हुआ है, लेकिन अभी भी एसेट्स कंप्लीटली रिकवर नहीं हुए। जितने एसेट्स है वो सफिशियंट नहीं है, उनको बैंक का रिकवरी कम्प्लीट नहीं हुआ है। तो ये केस अब तक चल रहा है, इवन एक्सट्रेडिशन केस भी चल रहा है। तो उनके अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस है, इवन टैक्सेस नहीं पे किए उन्होंने, टैक्स डिफॉल्ट के भी चार्जेस है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर भी वायलेशंस के चार्जेस है। फिर अगला न्यूज आइटम है, नीति आयोग शेल्व्स एपी पोर्ट प्रोजेक्ट। तो ये एक ग्रीनफील्ड पोर्ट प्लान किया गया था एडुगराजपत्तनम, ये नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है। तो ये ऑलरेडी एपी बाइफर्केशन एक्ट जो था, जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना का स्टेट्स बने 2014 के एक्ट में ये मेंशन था कि एक पोर्ट बनाया जाएगा, पर अब नीति आयोग ने ये प्रपोजल को कैंसिल कर दिया है, साइटिंग रीजंस ये दिया है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी नहीं है। तो ये पोर्ट एरिया के पास और भी पोर्ट्स है ऑलरेडी, तो वो फुल कैपेसिटी पे फंक्शन नहीं करे, तो यहाँ पे एक नया पोर्ट वो फाइनेंशियली वायबल नहीं होगा। तो वही यहाँ पे सामने आया है, इकोनॉमिक स्लम भी है अभी, कोई इकोनॉमिक इकोनॉमी प्रॉस्पर नहीं कर रही है, तो इकोनॉमिक स्लम में पोर्ट्स ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, और इवन ड्रेजिंग इन्वॉल्व होगा, क्योंकि लार्ज शिप्स आने के लिए फिर यहाँ पे पोर्ट्स के पास खोदना होता है थोड़ा, तो वो ड्रेजिंग की वजह से फिर एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी आते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रेजिंग वगैरह भी करना होगा, इसलिए ये प्रोजेक्ट नहीं इनिशिएट किया जा रहा है। तो ये टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी की गई और फाइनली ये डिसाइड किया गया कि दिस प्रोजेक्ट इज कैंसिल। तो ये ग्रीन फील्ड पोर्ट है, तो ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड टर्म्स होते हैं। ग्रीन फील्ड का मतलब एक नया प्रोजेक्ट बन रहा है फ्रॉम स्क्रैच, मतलब कुछ भी नहीं था, और ब्राउन फील्ड मतलब जो ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है या जो भी एक है एंटिटी है उसको इम्प्रोवाइज किया जा रहा है, तो उसको ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। मतलब एक स्मॉल पोर्ट हो उसको एस्टेब्लिश करके एक्सपांड किया जा रहा है, तो वो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होगा। और ग्रीन फील्ड मतलब यहाँ पे कोई पोर्ट था ही नहीं, नया पोर्ट बनाया जाएगा ऐसे। तो ये मेजर सी पोर्ट भी जो कंट्री में वहां मेंशनड है, वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट पे, तो यहाँ पे एन्नोर पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, विशाखापट्टनम, ये सारे पोर्ट यहाँ पास ही है, तो इसीलिए ये जो है एन्नोर चेन्नई मेंशनड है, तो यहाँ पे इसीलिए एन्नोर भी अभी जो है यहाँ पे कामराज पोर्ट कहा जाता है, जो कॉर्पोरेटाइज किया गया है। तो ये सारे पोर्ट्स पास ही है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट नहीं इनिशिएट किए जाएंगे। फिर अगला न्यूज आइटम है, कोलार वेलकम्स एन अमूर फाल्कन। तो ये अमूर फाल्कन एक बर्ड स्पीशीज है, तो ये साइबेरिया में रहती है, नॉर्थ चाइना साइबेरिया इन रीजन में, यहाँ पे मंगोलिया। तो यहाँ से ये विंटर्स में, विंटर्स काफी हार्श होते हैं, तो यहाँ से वो फ्लाई करके साउथ अफ्रीका पहुंचती है। तो ये इनका माइग्रेटरी रूट है, काफी लंबा माइग्रेटरी रूट है जिनके लिए ये फेमस है, अमूर फाल्कन। तो ये इंडिया से पास होते हैं मिडवे, तो ये जनरली नॉर्थ इंडिया नागालैंड में कई पाए जाते हैं, पर अभी वो साउथर्न रीजन की तरफ भी, साउथर्न रीजन ले रहे हैं, और ये पहली बार यहाँ कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटका के पास जाते हुए भी अमूर फाल्कन डिटेक्ट किए गए। तो यहाँ अमूर फाल्कन का ट्रैकिंग किया जा रहा है, सैटेलाइट ट्रैकिंग। तो ये बर्ड्स को टैग किया गया है, इंडियन अथॉरिटीज ने टैग किया, और इनका जो रूट है वो ट्रैक किया जा रहा है, उससे ये डिटेल्स सामने आई है। तो वही है, इनका डाइट भी होते हैं जनरली इंसेक्ट्स, टर्माइट्स खाते हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है, अ ड्राई काबिनी फेल्स टू ड्रॉ एलिफेंट हर्ड्स दिस ईयर। तो ये काबिनी बैकवाटर्स है कर्नाटका में, ये नगर होल बांदीपुर जो रीजन है उसके पास। तो ये वाइल्ड लाइफ जो है यहाँ से ड्राई फॉरेस्ट से पास से माइग्रेट होके ये मॉइस्ट रीजन की तरफ जाते हैं समर सीजन में, तो यहाँ पे कभी नहीं बैकवाटर्स के पास वो पहुंचते, लेकिन इस बार नहीं आए हैं क्योंकि ड्रॉट कंडीशन है, वो यहाँ पे मेंशन है। फिर अगला है टैक्स प्रोसेस्ड फूड्स FSSAI पैनल। तो ये फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक कमेटी एस्टेब्लिश की थी, 11 मेंबर कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट्स और न्यूट्रिशनिस्ट। तो उन्होंने रिकमेंड किया है कि प्रोसेस्ड फूड जो है, शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस वगैरह, इनके ऊपर टैक्सेशन आना चाहिए। इवन पहले ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिकमेंड किया है। तो FSS फैट्स सॉल्ट एंड शुगर, जो ये प्रोसेस्ड फूड होते हैं जिनमें काफी ज्यादा होता है, उनको एडवर्टीजमेंट उनका बैन करना चाहिए, सेलिब्रिटीज को अलाउ नहीं करना चाहिए उनका एडवर्टीजमेंट करना। इवन काफी कंट्रीज में इनको बैन किया गया है प्रोसेस्ड फूड्स को, जैसे कि चिले। तो यहाँ पे हमको भी उस रोड पे हमको स्टेप्स लेने चाहिए, फाइनली बैन करना चाहिए।
तो ये सजेस्ट किया गया। इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो रिकमेंडेशन है कि ये कितना प्रोपोर्शन में लेना चाहिए वो फॉलो करने चाहिए, उनको एंडोर्स करना, उनको एंडोर्स किया गया है। इवन एक स्टडी में ये सामने आया है कि लो इनकम ग्रुप के जो लोग होते हैं वो ये फ्राइड स्नैक्स स्वीट्स ज्यादा कंज्यूम करते हैं देन हाई इनकम ग्रुप। तो बेकरी आइटम स्पेशली स्लम्स अर्बन एरियाज में काफी कंज्यूम किया जाता है वो है। उन्होंने ये भी कहा कि लेबल्स सही से होने चाहिए रिगार्डिंग कितना कंटेंट है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, तो ये क्लियरली लेबल करना चाहिए। तो ये है रिकमेंडेशंस। FSSAI ये ऑटोनोमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2016, इसको एस्टैब्लिश किया गया फॉर रेगुलेशन फूड सेफ्टी सुपरविजन करने के। और ICMR ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है फंडेड बाय अगेन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है जो इंडिया में है। फिर अगला न्यूज आइटम है ग्रेन आउटपुट एट रिकॉर्ड हाई। तो इंडिया का इस साल 2016-17 ईयर का जो ग्रेन प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन था वो ऑल टाइम हाई पे है। 273.38 मिलियन टन प्रोड्यूस किया गया, लास्ट ऑल टाइम हाई था इन 2013-14, तो ये लास्ट ईयर भी इतना आया था क्योंकि मॉनसून रेन्स अच्छे थे, तो ये बेटर आउटपुट आया है। फिर अगला न्यूज है बिश्नोई फार्मर्स फिल ट्रॉप्स ऑफ वाटर फॉर डियर। तो ये बिश्नोई कम्युनिटी है, रिलीजियस कम्युनिटी है राजस्थान में, तो इन्होंने अपने एग्रीकल्चरल फील्ड्स में भी यार ट्रॉप्स बनाए हैं, गड्ढे खोदे और पानी भरा है ताकि जो एनिमल स्पीशीज है जैसे डियर वगैरह, ब्लैक बक यहाँ पे, तो वो उनको पानी मिले क्योंकि कई बार इन रीजन्स में पानी ना मिलने की वजह से भी काफी स्पीशीज मर जाती है। तो ये बिश्नोई कम्युनिटी जो है ये वेल नोन है फॉर दिस के वो नेचर को वर्शिप करते हैं और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में काफी एफर्ट्स डालते हैं, तो उनका पूरा रिलीजन ही ये बेसिस पे। तो ये वैष्णवाइट सेक्ट है, ये 15th सेंचुरी सेंट थे जम्बेश्वर महाराज, उन्होंने ये सेक्ट एस्टैब्लिश किया था। तो उनका बेसिक जो फिलोसॉफी है रिलीजन की वही यही है कि ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ राइट टू सर्वाइव, राइट टू लिव सबके पास है और उनको सारे रिसोर्सेज जो है नेचुरल शेयर करना चाहिए सबके साथ। तो वो ये 29 प्रिंसिपल्स दिए थे इन्होंने जम्बेश्वर महाराज ने, तो उनमें ये भी मेंशन है कि एनिमल्स को किल नहीं करना चाहिए, ट्रीज को नहीं गिराना चाहिए, स्पेशली खेजरी ट्रीज जो यहाँ पे पाए जाते हैं, और वुड यूज नहीं करना चाहिए क्रिमेशन में, जब अस्थिया जब बॉडी को जलाया जाता है तो वो वुड नहीं यूज करना चाहिए। तो वो फिर अगला न्यूज आइटम है डिस्क्लोज फॉरेन फंड्स, MHA टेल्स पॉलिटिकल पार्टीज। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को नोटिस भेजी है कि उनको अपने पूरे फॉरेन फंड्स क्या मिले उनके डिक्लेरेशन करने होंगे। तो आप आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ये विच हंटिंग किया जा रहा है, जानबूझ के नो पॉलिटिकल पार्टीज को परेशान किया जा रहा है, पर ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउड नहीं है, फॉरेन फंडिंग इज नॉट अलाउड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑल्सो। तो ये फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में चेंजेस किए गए थे लास्ट ईयर, तो ये भी फाइनेंस बिल जो था लास्ट ईयर के बजट में जो फाइनेंस बिल था उसके अंदर ऐड करके चेंजेस किए गए विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, क्योंकि जुडिशरी में भी केस चल रहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज ने फॉरेन फंड्स लिए हैं, तो इसीलिए वो मॉडिफिकेशन किया गया। तो फॉरेन फंडिंग मतलब फॉरेन कंपनी से फंडिंग नहीं होना चाहिए, तो फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन चेंज किया गया। तो फॉरेन कंपनी कौन सी होती है जिसके अंदर एटलीस्ट 50% जो शेयर होल्डिंग है वो एक इंडियन के पास हो, तो इंडियंस के पास हो तो वो इंडियन कंपनी मानी जाएगी, नहीं तो फॉरेन। तो अब शेयर्स जो है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं इवन ऑन अ डेली बेसिस, तो इसीलिए डेफिनेशन चेंज किया गया। उन्होंने कहा कि जितना FDI अलाउड है उस बेसिस पे होगा, अगर रजिस्टर्ड कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी इंडियन एंटिटी है तो वो इंडियन कंपनी मानी जाएगी। तो इंडियन कंपनी का डेफिनेशन वाइडन किया गया। तो ये भी कहा गया कि इससे बेनिफिट होगा कि CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है 2% CSR सारी इंडियन कंपनीज को देना होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल वर्स के लिए उनको ये कंट्रीब्यूशन करना होता है, तो वो मैंडेटरी है इंडियन कंपनीज पे। तो अगर इंडियन कंपनीज का डेफिनेशन ऐसे हम एक्सपांड करेंगे तो CSR भी ज्यादा आएगा, तो ये भी जस्टिफिकेशन दिया गया। और पॉलिटिकल पार्टीज को भी फिर उन कंपनी से फंडिंग मिल सकते हैं क्योंकि वो फिर फॉरेन कंपनीज नहीं माने जाएंगे, और ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया गया। वो और एक कॉन्ट्रोवर्सी थी कि मतलब अभी किया गया लेकिन पहले के केसेस में भी एप्लीकेबल, तो पहले अगर वायलेशन था तो अभी वायलेशन नहीं क्योंकि ये जो चेंज किए गए हैं वो पहले भी के लिए भी एप्लीकेबल किए जाएंगे ऐसे। तो ये कॉन्ट्रोवर्सी थी तभी की। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कह रहे हैं कि ये एक रेगुलर प्रोसीजर है, सारी पार्टीज को BJP को भी भेजा गया नोटिस कि वो अपने फॉरेन फंड्स क्या मिले उनके डिटेल्स। तो ये वो देख रहे कि FCRA एक्ट के अंदर कोई वायलेशन हुआ है या नहीं। तो ये FCRA में जो चेंज किया गया डेफिनेशन में, तो FDI के बेसिस पे होगा वो शेयर कैपिटल, वो यहाँ पे मेंशन है।
फिर अगला न्यूज आइटम है, टॉलेस्ट ब्रिज बिल्ट कैन विथस्टैंड ब्लास्ट। तो ये चेनाब रिवर के ऊपर वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेलवे आज ब्रिज बनाया जा रहा है। तो ये कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड बना रही है, 1200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। 2004 में इनिशिएट किया गया था, 2007 में कंप्लीट होना चाहिए था, पर ये कंप्लीट नहीं हुआ, अब इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। तो इसके अंदर कैपेबिलिटीज लाई गई है वो ये है कि हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट भी विथस्टैंड कर सकता है, टीएनटी ब्लास्ट लोड भी ये हैंडल कर सकता है, नेचुरल डिजास्टर्स हैंडल कर सकता है, ये कैपेबिलिटीज दी गई है। जस्ट 60 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान बॉर्डर से, तो ये जम्मू रीजन में चेनाब रिवर पे रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है। तो ये नेशनल प्रोजेक्ट है, ये दिखाया जा रहा है आर्टिस्ट व्यू कि कैसे ये होगा, और ये कंस्ट्रक्शन फिलहाल चल रहा है। फिर अगला न्यूज आइटम है, सप्लाई ऑफ एचआईवी ड्रग्स फॉर चिल्ड्रन हिट। तो ये लोपिनावीर ड्रग है, ये पहले भी न्यूज में आ चुका है। तो ये सिप्ला कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये सोल मैन्युफैक्चरर है इंडिया में लोपिनावीर की, और ये चिल्ड्रन के लिए ड्रग है, मतलब माइल्ड वर्जन है, क्योंकि एचआईवी ड्रग जो है वो एडवर्सली अफेक्ट नहीं करना चाहिए बच्चों के लिए स्पेशली। तो ये सिरप है, ये सिरप उनको उन्होंने प्रोडक्शन इसका बंद कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको ड्यूज पहले के पे नहीं किए, तो उस वजह से ये सिर्फ बंद किया गया है। तो अब यहाँ पे ये स्कार्सिटी हुई है, तो नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट को कहा कि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया लोपिनावीर का, तो इसको जल्द से जल्द रजिस्टर किया जाए एचआईवी प्रोग्राम के अंदर ताकि ये अवेलेबल किया जा सके, पर गवर्नमेंट ने इसको फास्ट ट्रैक पे लेने से मना कर दिया। ये न्यूज है फिलहाल। फिर अगला है, सून नेवी टू बी विच टू बी विदाउट माइंड स्वीपर्स। तो माइंड स्वीपर्स जो होते हैं वो ये शिप्स होती है जो माइंस अगर इंस्टॉल की गई है अगर कोई एनिमी के थ्रू इन द हार्बर्स तो उसको वो डिटेक्ट कर सके। तो ये दो माइंड स्वीपर्स थे इंडिया में, INS करवर और INS काकीनाडा, ये डिकमीशन किए गए, 31 ईयर्स सर्विस में थे, और 4 माइंड स्वीपर्स है कंट्री के जो अभी नेक्स्ट ईयर ये रिटायर हो जाएंगे। तो अब नए माइंड स्वीपर्स है नहीं, गवर्नमेंट नेवी ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि नए डील्स जो है वो फाइनल स्टेजेस में फाइनलाइज किए जाएंगे। तो फिलहाल एज ऑफ नाउ हमारे पास फिर माइंड स्वीपर्स नहीं रहेंगे, और ये काफी जरूरी है क्योंकि स्पेशली ऑन हार्बर्स अगर कोई एनिमी ने माइंस प्लेस किए हैं तो उसकी वजह से हमारे शिप्स टारगेट किए जा सकते हैं, तो इसीलिए डिटेक्टर माइंड स्वीपर्स जरूरी है। फिर अगला है, RBI प्लेसेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन लॉस मेकिंग IDBI। तो ये स्टेट PSU है जो पब्लिक सेक्टर बैंक IDBI, तो ये IDBI बैंक पे RBI ने रिस्ट्रिक्शंस डाले क्योंकि ये लॉस मेकिंग है। तो जो पैरामीटर्स होते हैं जैसे नेट NPA कितना है, रिटर्न ऑन एसेट्स कैसा है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बेसिस पे ये बैंक ने ब्रीचेस किए हैं, तो अब इनको रिस्ट्रिक्शंस डाले गए कि ये नए ब्रांच एक्सपांड नहीं कर सकते, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन भी वो नहीं कर सकते, तो ये उन पे रिस्ट्रिक्शंस डाले गए। फिर अगला है, इंडिया टू रिप्लेस मैत्री स्टेशन इन एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिका में इंडिया का रिसर्च प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ पे हमने पहला अपना रिसर्च स्टेशन बनाया था दक्षिण गंगोत्री 1983। उसके बाद ये दक्षिण गंगोत्री बिकॉज ऑफ आइस मेल्ट ये वहाँ पे वायबल नहीं रहा, तो हमने अपना नया स्टेशन बनाया इसको रिप्लेस करते हुए मैत्री इन 1990। तो अब न्यूज ये है कि मैत्री को भी 2-3 साल में यहाँ पे रिप्लेस किया जाएगा रिसर्च स्टेशन को। तो हम यहाँ रिसर्च एक्टिविटी एक्सपांड कर रहे हैं, इवन आइस कटिंग शिप हम प्रोक्योर करना चाहते हैं यहाँ पे जो आइस कट कर सके। तीसरा भी रिसर्च स्टेशन है भारती जो 2015 में एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिक एंड ओशन रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर है, वो ये नोडल अथॉरिटी है इंडियन एंटार्क्टिक प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, साइंटिफिक एक्सपेडिशंस होते हैं फॉर एटमोस्फेरिक केमिकल मेडिकल साइंस केमिकल रिलेटेड, यहाँ पे स्टडीज की जाती है। तो ये है यहाँ पे दक्षिण गंगोत्री और ये मैत्री थोड़ा अंदर है। फिर अगला न्यूज आइटम है द लास्ट वन, नाउ टर्न एनी सरफेस इनटू अ टच स्क्रीन। तो ये US रिसर्चर्स ने एक स्प्रे पेंट बनाया है जो कोई भी आप सरफेस पे लगाओगे, फर्नीचर है वॉल है, तो वो टच स्क्रीन में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये स्प्रे पेंट में इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग कोटिंग्स है मटेरियल है, तो उसको अगर हम टच करते हैं तो यहाँ शंटिंग इफेक्ट होता है। तो फिंगर टच से जैसे एक इलेक्ट्रिक करंट शंट होता है थोड़ा ग्राउंड पे, तो उस वजह से ये डिटेक्ट किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टोमोग्राफी टेक्निक होती है, तो उससे ये फंक्शन करती है और ये डिटेक्ट कर सकती है टच और सेंसिटिविटी और फिर फंक्शन करे। तो इसको नाम दिया गया टेक्नोलॉजी को इलेक्ट्रिक, तो ये कंडक्टिव टच सर्फेसिस उन्होंने बनाए थे। तो यही है न्यूज आइटम्स, थैंक यू।